दिल्ली में बाढ़ के बाद अब हालात धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। यमुना के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है। रविवार दोपहर बाद 2 बजे यमुना का जलस्तर 205.78 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 205.33 मीटर से मात्र 45 सेंटीमीटर ऊपर है। इससे पहले दोपहर 12 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.91 मीटर पर रिकॉर्ड किया गया था, जबकि शनिवार शाम करीब 8 बजे यमुना का जलस्तर 206.87 मीटर था। इसका मतलब है कि यमुना का पानी लगातार गिर रहा है। हालांकि आसपास के इलाकों यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट, ITO और रिंग रोड पर अभी भी पानी भरा हुआ है। इधर रविवार शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए ऐलान किया कि आर्थिक मदद के तौर पर हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 10,000 रुपये प्रति परिवार देंगे। जिनके कागज जैसे आधार कार्ड आदि बह गए उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। जिन बच्चों की ड्रेस और किताबें बह गई उन्हें स्कूलों की तरफ से ये दिलाएंगे। सीएम के ऐलान पर जल्द कार्यवाही शुरू होगी। मालूम हो कि बाढ़ के कारण यमुना किनारे रहने वाले कई गरीब परिवारों का काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ परिवारों का तो पूरे घर का सामान बह गया। ऐसे में दिल्ली सरकार के मुआवजे से इन परिवारों को बड़ी मदद मिलेगी। बताते चले कि राजधानी के 4 जिले यानी उत्तर, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और मध्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यहाँ अब भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। इससे पहले रविवार दोपहर मोरी गेट स्थित राहत कैंप का दौरा करने के बाद दिल्ली सीएम ने कहा था कि दिल्ली के जो इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं वहाँ रहने वाले लोगों के लिए हमने स्कूलों में राहत शिविर लगाए हैं। मोरी गेट स्थित एक स्कूल में लगे राहत शिविर में व्यवस्थाओं को देखने मैं खुद गया। यहाँ प्रभावित लोगों के लिए रहने के साथ साथ खाना पानी और टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया। जिन लोगों के इस बाढ़ में ज़रूरी कागज और बच्चों की किताबें बह गई हैं उनके लिए बाद में विशेष कैंप लगाए जाएंगे और बच्चों के लिए किताबें और ड्रेस का फिर से इंतजाम किया जाएगा। बाढ़ प्रभावितों के लिए हम हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। मालूम हो कि दिल्ली में आई इस साल की बाढ़ ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब हालांकि हालात में तेजी से सुधार है। राष्ट्रीय राजधानी में भले ही यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि जिन इलाकों से पानी उतर रहा है वहां अब नई मुसीबतें सामने आ रही हैं, क्योंकि इन इलाकों में अब मलबा और गंदगी का आलम है। इतना ही नहीं, अब बीमारियों का भी खतरा मंडराने लगा है। उधर ASI ने कहा है कि पानी कम होने के बाद ये भी जांच की जाएगी कि कहीं लाल किले को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। वहीं यमुना का जलस्तर घटने के बाद अब गंगा रौद्र रूप दिखाने लगी है। देवप्रयाग में गंगा खतरे के निशान के ऊपर रही है, साथ ही हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।